क्वेश्चन खोल दे यार, सॉल्यूशन भी खोल दे, क्वेश्चन भी खोल दे यार। एक बचन फॉर एक्सप्लेन के बच्चे मैं जानना चाहता हूँ। अब ये बताएं मुझे एब्जॉर्प्शन की मैं ही जान क्विकली हमारे पास मैं ही जानना चाहता हूँ कि हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं बेसिकली कि हर एक डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड हमने कैलकुलेट किए हुए हैं वो ओवरहेड हमने एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करने हैं, शामिल करने हैं। हम ओवरहेड हमने हर डिपार्टमेंट के एस्टिमेट तो कर लिए हैं, लेकिन एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर शामिल कैसे करें उसके लिए हमें कोई बेस रिक्वायर्ड है। उस बेस के लिए हम क्या करते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट की कोई ना कोई बेस यूज कर रहे हैं। दैट कैन बी द मशीन आवर्स, दैट कैन बी द लेबर आवर्स, दैट कैन बी द मटेरियल कॉस्ट, कोई एक बेस जो उस डिपार्टमेंट में ज्यादा यूज हो रही है। तो हम उस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड कॉस्ट को उस बेस से डिवाइड करते हैं तो रेट पर बेस आ जाता है, यानी रेट पर मशीन आवर, रेट पर लेबर आवर, रेट पर मटेरियल कॉस्ट निकल आता है। उस रेट के थ्रू फिर हम उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट एक एक यूनिट के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा, समझ आ गई आपको? ये बच्चा था वो माइक पे ना, उसने सवाल किया, मैंने बताया। बिल्कुल नहीं, स्क्रीन बेटा सबको स्क्रीन नजर आ रही? हाँ जी, कोई और सवाल किसी का? अभी हम थोड़ा सा क्विकली सा रिप्लाई भी हम इसको थोड़ा सा रिवाइज भी करते हैं, थोड़ा और मैं क्लियर कर दूं कि हम ओवरहेड क्यों फाइंड कर रहे हैं, हमने एलोकेशन क्यों किया, अपॉर्शनमेंट क्यों किया, एब्जॉर्प्शन क्यों किया, हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई और सवाल जनाब, किसी और? अच्छा, एक बच्चे का सवाल है कि 3.2 में कोई हमारे पास कोई पॉइंट में इश्यू आ रहा है, डिस्कस करते हैं बेटा इसको भी। सुबह अभी हम इस पे भी आते हैं, स्क्रीन पे मैं आता हूं, मैं भी इसको सवालों पे भी आता हूं। पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो देन क्वेश्चन पे आता हूं। अभी हम एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। देखिए बेसिक एम है क्या, थोड़ा मैं रिवाइज कर दूं, कल की बात को हम रिवाइज कर ले। हम बेसिक एम क्या है? बेसिक एम ये है जनाब, हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम पूरी कंपनी के ओवरहेड्स को एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर शामिल करना चाहते हैं। पहले तो ये बात है, अगर हम ओवरहेड्स को एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर शामिल ना करें तो एक यूनिट की टोटल कॉस्ट नहीं आएगी। हमने जब टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है बेटे, सबको वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर? जस्ट एक दफा मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे, सब कुछ नजर आ रहा है? ओके डन, ठीक है। हाँ जी, बेसिक एम हमारा ये है कि हम एक यूनिट की कॉस्ट फाइंड करना चाहते हैं। अगर हमारे पास एक यूनिट की कॉस्ट नहीं है, अगे बेटा हमारे पास एक यूनिट की अगर कॉस्ट नहीं है तो क्या करेंगे उसको? एक यूनिट की अगर हमारे पास कॉस्ट नहीं है तो हम प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं जानते, हम प्राइस डिटरमिन नहीं कर सकते। तो प्राइस डिटरमिन करने के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि टोटल कॉस्ट कितनी, कॉस्ट के अंदर हम ओवरहेड्स भी हम ऐड करते हुए हम प्रॉफिट्स मार्कअप मार्जिन ऐड करेंगे, फिर उसमें हम क्लियर। एक एक सवाल बच्चे का सर, एब्जॉर्प्शन की किस टाइप की आइटम की लाइक रेंट हो को हम अपोर्शनमेंट भी क्यों करते हैं उसमें एब्जॉर्ब? यार ये किस तरह के सवाल कर रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें बेटा। चले मैं थोड़ा सा क्विकली सा रिवाइज करने लगा हूं, जरा बातें बेटा दोबारा से बातें गौर से सुन लें। हाँ जी, सवाल जनाब यहां भी ये है, हमारा बेसिक एम क्या है जरा इसको देख लें, जरा बोले आपको बातें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक ये जो मेरे पास अभी है, एक सवाल भी है यार, ये भी हमारे पास पास पेपर के सवाल है, अगर आप इसमें भी देखें तो यहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा।
चलिए ये मैंने सोल्यूशन वैसे इसको खोला हुआ है, वैसे मैं सॉल्व करता तो पूरा इसको सॉल्व करता, तो आइडिया देता हूँ आपके है क्या। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि हम ओवरहेड्स को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, सवाल पहला यहां से शुरू होगा। हम ओवरहेड्स को इसलिए फाइंड कर रहे हैं ताकि एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकल आए। टोटल कॉस्ट के लिए हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस यानी डायरेक्ट कॉस्ट चाहिए, और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी ओवरहेड्स भी चाहिए। यानी टोटल कॉस्ट के लिए हमें डायरेक्ट कॉस्ट यानी प्राइम कॉस्ट रिक्वायर्ड है और इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी ओवरहेड कॉस्ट रिक्वायर्ड है। अगर ओवरहेड नहीं है तो आप टोटल कॉस्ट फाइंड नहीं कर सकते। तो एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का एस्टीमेट 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 लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए ओवरहेड कैलकुलेट कर रहे हैं। ये बात क्लियर होगी यहां तक। नंबर टू, दूसरी बात, अब अच्छा जी ओवरहेड अब एस्टीमेट कैसे होंगे, कैसे कैलकुलेट होंगे। हम पहले ओवरहेड्स में क्या आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पूरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हमारी कंपनी में, देखिए हमारी कंपनी में हमने कहा था कि मल्टीनेशनल कंपनी में 7 डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, बाकी कुछ मेरे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट और भी है। थोड़ा सा मैं बोर्ड यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। एक मेरे पास क्या है बेटा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। इसके अलावा मेरे पास और कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लाइक दिस डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स होते हैं। कॉन्सेप्ट बेटा पहले क्लियर कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो आपको समझ नहीं आएगी चल क्या रहे ओवरहेड्स हम क्या करें या अप्लाई कैसे करें। बच्चे ने सवाल किया कि अपोजिशमेंट क्यों करें, एब्जॉर्प्शन क्यों करते हैं, दोनों का अलग अलग पर्पज है बेटा। जरा गौर सब समझ नहीं पाता आपने, सब लोग गौर से बात को पिक कर लें और एक ही सवाल करवाऊंगा उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, पूरा ओवरहेड कवर हो जाएगा। और बाद में और बहुत से सवाल हम करेंगे लेकिन आप देखेंगे बार बार वही चीजें करते जा रहे हैं, कोई नई चीज नहीं होगी। अच्छा जी, ये मेरी कंपनी के डिपार्टमेंट समझ लें कि पूरी कंपनी में ये पांच डिपार्टमेंट चले यूज कर रहे हैं। ये सारे क्या है मेरे पास, ऑल दीज आर द नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आज मैं इस पर भी बात करूंगा, इनकी कॉस्ट को कैसे हमने एक यूनिट में शामिल करना है, शामिल तो उसको भी करना है, अभी मैं इस पर बाद में आऊंगा। ये एक डिपार्टमेंट मेरे पास क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक हो गया बेटा, इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स हैं, कुछ मेरे पास सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं। इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर यानी ये फैक्ट्री के अंदर क्या है, फैक्ट्री के अंदर एक मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, एक असेंबली डिपार्टमेंट है, एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, फिर सर्विस कॉस्ट सेंटर कौन, एक स्टोर है और एक मेंटेनेंस है। ये पांच डिपार्टमेंट कहां है, इस एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ये पांच डिपार्टमेंट है। पांच में से इन तीनों का नाम क्या दे रहे हैं हम, दीज आर द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स, और इसको हम इन दोनों को क्या नाम दे रहे हैं, दीज आर द सर्विस कॉस्ट सेंटर्स। ये बात क्लियर होगी, यानी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ये मेरे पास पांच डिपार्टमेंट्स हैं। तीन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स है जहां प्रोडक्ट बनती है और बाकी दो डिपार्टमेंट है वो सर्विस कॉस्ट सेंटर्स, बाकी डिपार्टमेंट्स को हेल्प कर रहे होते हैं। फाइन, हमारा एम क्या है, सबसे पहली बात हमारा एम ये है कि इस फैक्ट्री डिपार्टमेंट के बहुत से ओवरहेड हैं। नहीं, फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर, इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सा इनडायरेक्ट मटीरियल लग रहा है, इनडायरेक्ट लेबर लग रही है, इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगाया जा रहा है, चलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगाया जा रहा है, यानी इन तीनों को ऐड कर दो क्या बनता है, ओवरहेड, ओवरहेड लगाए जा रहे हैं। क्यों बेटा, ये बात सबको समझ आ रही है, ये बात बताए मुझे जरा। यानी फैक्ट्री के अंदर बहुत से ओवरहेड है हमारे पास। अब हमने वर्किंग ये करनी है यार कि फैक्ट्री के जो ओवरहेड है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है सपोज कर लें 50,000 यूनिट्स की, 50,000 यूनिट्स बनते हैं और फैक्ट्री के ओवरहेड्स हमारे पास हैं। एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर मैं कितने ओवरहेड्स शामिल करूं, जैसे सपोज करें वो फैक्ट्री क्या करती है, वो पहल की कंपनी है और एसी बनाती है, वो वर्किंग करना चाहते हैं यार एक एसी के अंदर हम कितनी कॉस्ट शामिल करें ओवरहेड्स की। यानी इनडायरेक्ट मटेरियल क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक यूनिट की कॉस्ट पूरा तो यहीं से करना है ना, एसी बेच के सारी कॉस्ट पूरी करनी उन्होंने। एक एसी के अंदर वो इनडायरेक्ट मटेरियल का कितना हिस्सा शामिल किया जाए, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी होगी, मैनेजर की सैलरी, सीनियर मैनेजर की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी, वो तमाम लोग जो सैलरियां ले रहे हैं वो सैलरी कहां से पूरी होती है, वो भी एसी बेच के पूरी होती है। तो एक एसी की कॉस्ट के अंदर वो इनडायरेक्ट लेबर यानी मैनेजर की सैलरी कितनी शामिल की जाए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे आ जाते हैं, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट एक एक एसी की है, एक एसी का जो यूनिट है, एक एसी की यूनिट के अंदर हम कितनी फैक्ट्री का रेंट कितना शामिल करें, फैक्ट्री की इंश्योरेंस की कितनी कॉस्ट शामिल करें, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन की कितनी कॉस्ट शामिल करें, फैक्ट्री की मेंटेनेंस की कितनी कॉस्ट शामिल करें। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो फैक्ट्री डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर आगे पांच डिपार्टमेंट्स हैं,
इन डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सी कॉस्ट ऐसी है जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी बहुत से ओवरहेड हैं। हम ये एस्टिमेट करना चाहते हैं कि वो ओवरहेड एक यूनिट जो एक सिंगल यूनिट इसके अंदर बनता है उसके अंदर वो ओवरहेड कितना हिस्सा शामिल किया जाए। दिस वी वांट टू कैलकुलेट। ये बात क्लियर? हम ये बेसिकली फाइंड करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम यूं करते हैं यार, हम कहते हैं यार ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारे पास, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेटा ये वाला, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये फैक्ट्री क्या यार, फैक्ट्री के अंदर अब हमारे पास पांच डिपार्टमेंट्स आ गए। हम कहते हैं यार डिपार्टमेंट में बहुत से यूनिट्स बनते हैं, अब डिपार्टमेंट की कॉस्ट एक यूनिट, एक सिंगल यूनिट के अंदर कैसे अब्सॉर्ब करवाएं, कैसे शामिल करें, ये हम बेसिकली फाइंड करना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे यहां पे हम, तो मेरे पास एक, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कहते हैं यार एलोकेशन कर लेते हैं, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर पांच डिपार्टमेंट हैं, छह डिपार्टमेंट, दस डिपार्टमेंट जितने भी है, सबसे पहले हम एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब ये होता है कि हम ऐसे, हमने बेसिकली करना है क्या, हमने पूरी कंपनी के, यानी पूरी फैक्ट्री के, पूरी फैक्ट्री के जितने भी ओवरहेड्स हैं, इन पांचों डिपार्टमेंट्स के जितने भी ओवरहेड्स हैं, उन तमाम ओवरहेड्स को पहले हमने डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है। तमाम पांचों डिपार्टमेंट्स में हमने ओवरहेड्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। जो ओवरहेड्स पहले ऑलरेडी डिवाइडेड ही होते हैं उसे बोलते हैं एलोकेशन, कि वो एलोकेशन वो ऑलरेडी पता है किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने बात की थी इनडायरेक्ट लेबर सुपरवाइजर या इनडायरेक्ट लेबर की बात की थी, सिक्योरिटी गार्ड आपने स्टोर में रखा हुआ है, स्टोर में सिक्योरिटी गार्ड काम करता है यार, उसकी फिक्स सैलरी है, वो स्टोर में काम कर रहा है हमारे पास, तो वो इनडायरेक्ट लेबर है मेरे पास, वो स्टोर में काम कर रहा है, उसको मैं फिक्स सैलरी पे कर रहा हूँ। तो लाइक दिस, मतलब पांचों डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, पांच के पांच डिपार्टमेंट्स के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं, उनको हम डिफरेंट लोग फिक्स सैलरियां ले रहे हैं, तो वो सारी इनडायरेक्ट लेबर है उस तमाम डिपार्टमेंट, उन एक एक डिपार्टमेंट की, यानी कुछ कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी डिवाइडेड ही होती है, वो ऑलरेडी पता ही होता है कि किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, हम उस डिपार्टमेंट में उस कॉस्ट को पुट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एलोकेशन, इसे हम एलोकेशन बोलते हैं। नंबर टू बात आई अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट क्या होता है, ऐसी कॉस्ट जो दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट है, रेंट तो पांचों डिपार्टमेंट का पे करते हैं, फैक्ट्री में पांच डिपार्टमेंट है और पूरी फैक्ट्री का कंबाइन रेंट देते हैं, तो हम क्या करेंगे, रेंट को पांचों में डिवाइड कर देंगे। फैक्ट्री की मेंटेनेंस है, पांचों डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाएगी। फैक्ट्री की हीटिंग, लाइटिंग, रिपेयरिंग, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस की सारी कॉस्ट पांचों डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाएगी। यानी कुछ कॉस्ट ऑलरेडी डिवाइडेड होती है डिपार्टमेंट्स के अंदर, जिसे बोलते हैं हम एलोकेशन। कुछ कॉस्ट हमें डिवाइड करनी ही पड़ती है। देखिए अब ये सवाल एक बच्चे का, सर अपोर्शनमेंट किसको करते हैं, बेटा अपोर्शनमेंट उसको किया जा रहा होता है ऐसी कॉस्ट जो दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रही है, यानी रेंट है। रेंट कितने डिपार्टमेंट का है, अगर तो मैं कहूं यार ये किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट का रेंट है, तो फिर तो वो एलोकेशन हो गया, पता है पहले ही हमें कि ये एक डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो वो उसी डिपार्टमेंट में पुट कर देंगे, ये तो एलोकेशन है। लेकिन अगर मैं कहूं यार रेंट इन पांचों डिपार्टमेंट का इकट्ठा इतना है, कंबाइंड रेंट दे रहे हैं हम यहां पे, तो फिर मैं कहूंगा इसको अपोर्शन करना पड़ेगा भाई, डिवाइड करना पड़ेगा। तो उस कॉस्ट को फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, उसे हम अपोर्शनमेंट बोलते हैं, उसे हम अपोर्शनमेंट का नाम देते हैं। कि ऐसी कॉस्ट जो दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रही है, मशीन की डेप्रिसिएशन, मशीन तो पांचों डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो रही है और कंबाइंड आपको डेप्रिसिएशन दी हुई है, तो डिवाइड कर दें इसको। अगर पहले से डिवाइडेड है तो फिर एलोकेशन है, फिर जिससे जितने जितना बिलोंग करता है वहां वहां होता है तो आप पुट कर दें। तो हम क्या कर देते हैं, एलोकेशन कर ली, अपोर्शनमेंट कर दी। अब हमने करना क्या होता है, हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को उस डिपार्टमेंट में बनाए जाने वाले यूनिट्स में शामिल करना होता है। इस प्रोसेस का नाम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, शामिल करना। किसको शामिल करना, एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट को उस डिपार्टमेंट में बनाए जाने वाले यूनिट्स के अंदर, यानी एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर उस ओवरहेड्स को, उस डिपार्टमेंट की ओवरहेड्स को एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर शामिल करना, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी कॉस्ट जब डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड हो चुकी होती है, डिवाइड करने के बाद हम जब उनको यूनिट्स के अंदर शामिल करवाते हैं, इसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अपोर्शनमेंट और चीज है यार, अपोर्शनमेंट का मतलब है कॉस्ट को डिपार्टमेंट में डिवाइड करना। जब डिपार्टमेंट से डिवाइड हो गई, हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को उस डिपार्टमेंट में बनाए जाने वाले यूनिट्स के अंदर शामिल करना, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसे हम एब्जॉर्प्शन का नाम दे रहे होते हैं। तो क्या करेंगे एब्जॉर्प्शन में, फिर हम क्या करेंगे कि अब कॉस्ट को हमने क्या करना है, यहां पे कॉस्ट हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो कॉस्ट लगाई जा रही है, जो डिवाइड हो चुकी हुई है, पता चल चुका हुआ है, हमने कल बात कर ली थी, पता चल चुका हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग की इतनी कॉस्ट है, असेंबली की इतनी कॉस्ट है, फिनिशिंग की इतनी कॉस्ट है, स्टोर डिपार्टमेंट की इतनी कॉस्ट है, हमारे पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की इतनी कॉस्ट, जो है डिपार्टमेंट में डिवाइड हो चुकी है।
हर एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट को उसके अंदर बनाए जाने वाले यूनिट्स के अंदर अब हमने शामिल करना है। अब यहां मसला आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को तो हम यूनिट्स में शामिल कर देंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में यूनिट्स बनते हैं, असेंबली में यूनिट्स असेंबल होते हैं, फिनिशिंग में फिनिशिंग हो रही होती है। अब स्टोर में यूनिट थोड़ी बनते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट तो बाकी डिपार्टमेंट को हेल्प देता है, चीजें सपोर्ट करता है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं यार स्टोर डिपार्टमेंट ने बाकी डिपार्टमेंट को कितनी कितनी हेल्प दी, जितनी जितनी हेल्प दी स्टोर की कॉस्ट उठा के उन डिपार्टमेंट्स पे आप डिवाइड कर दें। दिस इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट, कि हम उतनी भी कॉस्ट उन डिपार्टमेंट्स में हम डिवाइड कर रहे होते हैं। यानी जितने भी सर्विस कॉस्ट सेंटर्स होते हैं ये बाकी डिपार्टमेंट्स को प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स को हेल्प देते हैं, सर्विस देते हैं। इसलिए सर्विस कॉस्ट सेंटर्स की कॉस्ट को हम उठाकर प्रोडक्शन में हम दोबारा डिवाइड कर रहे होते हैं, री अपोर्शनमेंट इसको बोलते हैं, कि इसी इनकी कॉस्ट को दोबारा से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। क्यों क्यों जनाब? इसलिए कि हमने हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को यूनिट्स में शामिल करना होता है। तो स्टोर में तो यूनिट्स बनते ही नहीं तो कहां शामिल करवाएं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में यूनिट्स तो बनते ही नहीं है तो कहां शामिल करवाएं। तो इसलिए हम सर्विस कॉस्ट सेंटर्स की जो कॉस्ट होती है हम क्योंकि ये बाकी डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहे होते हैं इनकी कॉस्ट को उठा के बाकी डिपार्टमेंट्स पे हम री अपोर्शनमेंट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड री अपोर्शनमेंट। आज मैं इस पर भी डिस्कशन करूंगा कि इनके मेथड्स कौन कौन से और कैसे कैसे किया जाता है उसको। लेकिन एलोकेशन होगी, अपोर्शनमेंट होगी, री अपोर्शनमेंट होगी। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स, और उनमें कॉस्ट ऑलरेडी डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है। अब हमने क्या कर रहे हैं, अब मैं कहता हूं यार मैन्युफैक्चरिंग में 50,000 की कॉस्ट है तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को यूनिट्स में शामिल करना है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी यूनिट्स बन रहे हैं उसमें हमने शामिल करवाना है कि एक यूनिट के अंदर कितना हिस्सा शामिल किया जाए। एक तो बड़ा आसान तरीका है ना यार, थोड़ा मैं इसमें और आइडिया यहां पर देता हूं। एक तो बड़ा आसान तरीका है यहां पर कि यार ये मैंने बात कर ली बेटा, मैंने कहा ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, इसकी कॉस्ट कितनी 20,000, ठीक हो गया। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, बेसिकली ओएआर निकालने लगा हूं, इसके बारे में आइडिया देने लगा हूं, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। लेंगे देखेंगे अब बजटेड ओवरहेड कितने हमारे पास है। अब इस डिपार्टमेंट के ओवरहेड और निकल चुके हैं 20,000 है। अब एक्टिविटी लेवल यानी बजटेड बेस चाहिए मुझे। बजटेड बेस क्या है, सपोज कर लें इसकी बेस है यूनिट्स, इसमें 10,000 यूनिट्स बनते हैं तो टोटल इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है 20,000, यूनिट्स कितने बनते हैं 10,000, डिवाइड कर लिया तो कॉस्ट निकलेगी हमारे पास, अगर मैं रुपीस में निकाल रहा हूं तो ₹2 पर यूनिट निकलेगा ये मेरे पास, कि एक यूनिट के अंदर ₹2 शामिल कर दें आप। यानी इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट 20,000 यूनिट्स बनते हैं 10,000 तो ₹2 पर यूनिट है। लेकिन अगर यूनिट्स बेस नहीं अच्छी, क्यों यूनिट्स बेस अच्छी नहीं है, मैं अभी इस पे भी डिस्कशन करूंगा। क्योंकि कंपनी में बोला क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, पहले की एग्जांपल दिया और इनकी एग्जांपल दिए कि वहां एसी बनते हैं, या वहां खाली एसी नहीं बनते, वहां एसी भी बनते हैं, वहां रेफ्रिजरेटर बनते हैं, वहां ओवन भी बनते हैं, ऐसी और बहुत सी प्रोडक्ट बनती है। अगर तो पूरी कंपनी के अंदर एक ही बेस है, ब्लैंकेट रेट लगा देंगे यहाँ पे, यानी पूरी डिपार्टमेंट के अंदर एक ही यूनिट बनते हैं, यानी कंपनी का काम खाली एसी बनाना है तो कॉस्ट को हम एसी से, जितने एसी बन रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर एसी से डिवाइड करके नंबर ऑफ एसी डिवाइड की कॉस्ट पर एसी निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे यहाँ पे। यस, ये बीयूएच का मतलब क्या है, बजटेड ओवरहेड। अच्छा जी, बजटेड ओवरहेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। अच्छा बेटा, अच्छा अगर तो ये कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती, खाली एसी बनाती तो फिर ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की मैंने कहा टोटल कॉस्ट ली, इसको टोटल बेस यूनिट से डिवाइड किया, कॉस्ट पर यूनिट निकला है। लेकिन अगर कंपनी के अंदर इस अगर यहां पर क्या चल रहा है, अगर वो कंपनी खाली एसी नहीं बनाती, वो मशीनें भी बनाती है, वो रेफ्रिजरेटर बनाती है, वो ओवन बनाती है, अब मैं किसे डिवाइड करूं, सबके यूनिट से डिवाइड कर दूं, कॉस्ट पर वो जो यूनिट निकलेगा वो सबकी सेम निकलेगी, ऐसा भी सही नहीं होना चाहिए। क्योंकि एसी की कॉस्ट ज्यादा है तो इसमें ओवरहेड ज्यादा शामिल होंगे, मशीन कपड़े धोने वाली मशीन है उसकी कॉस्ट कम है तो उसमें ओवरहेड कम शामिल होने चाहिए। तो लिहाजा यूनिट जो है ये बेस प्रॉपर नहीं है। ऐसी कंपनीज जो सिर्फ एक ही तरह की प्रोडक्ट बनाती है वो अपने डिपार्टमेंट्स के जो एलोकेशन अपोर्शनमेंट री अपोर्शनमेंट के बाद जब उनके पास वैल्यू आ जाती है वो उन डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स होते हैं वो उनको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके हम डिवाइड करके चला रहे होते हैं। अच्छा जी, नंबर टू। अच्छा आगे चलते जरा, अब वो तो एक ही, अगर एक ही प्रोडक्ट बन रही है तो फिर ठीक है यूनिट से डिवाइड करें, सबको एक ही बेस पे चला दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट बन रही है तो फिर हम बेस इस्तेमाल करते हैं। यार इस डिपार्टमेंट में ज्यादातर क्या इस्तेमाल हो रहा है, मशीन आवर्स, एसी को बनाने के लिए मशीन आवर कम ज्यादा इस्तेमाल होते होंगे,
इलेक्ट्रिक मशीन को बनाने के लिए मशीन के आवर्स कम इस्तेमाल होते होंगे, तो फिर हम बेस बना लेते हैं मशीन आवर्स या लेबर आवर्स या जो हमें हमें सवाल में ये बेस दी होगी, हमें नहीं डिसाइड करना पेपर के अंदर, पेपर में हमें बताया होगा ये यार इस डिपार्टमेंट में बेस कौन सी चलानी है, तो हम वो बेस चला देंगे। तो यहाँ फिर हम लेट्स सपोज असेंबली की मैं बात कर लेता हूँ, असेंबली में बताया हुआ टोटल कॉस्ट कितनी 30,000 है, तो यार इसको बेस क्या इसकी दी, सपोज की 5,000 मशीन आवर्स दी हुई बेस, तो डिवाइड किया रेट क्या निकलेगा मेरे पास, देखिए निकलेगा 6 पर मशीन आवर। तो मैं कहूंगा यार इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट अगर एक एक मशीन का घंटा लगेगा तो 6 रुपए की कॉस्ट लग रही होगी। अब हम खुद वर्किंग कर लेंगे यार एक यूनिट को बनाने के लिए कितने मशीन के आवर है, बस दिया होगा सवाल के अंदर कि यार एक यूनिट को बनाने के लिए आप लेट्स सपोज 3 मशीन आवर लगते हैं, रेट पर मशीन आवर कितने है 6 से 18। अब ये मैंने क्या किया, 18 इज व्हाट, हमने इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट असेंबली डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 30,000, 30,000 में से जो 18 रुपए है आप एक यूनिट के अंदर शामिल करेंगे, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं आप उस एक प्रोडक्ट की यानी एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर कितना शामिल होगा, 30,000 में से 18 एक यूनिट में शामिल होगा। जब 18-18 करके हिसाब के अंदर शामिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली 30,000 की कॉस्ट तमाम यूनिट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, कॉस्ट जो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो चुकी हुई है अब इन कॉस्ट को यूनिट्स के अंदर शामिल किया जाए, एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाए। तो उसके लिए हम एक रेट निकालते हैं, यार कैसे शामिल कराएं, तो शामिल कराने के लिए हमें रेट चाहिए, तो उसे बोलते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, तो ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाने का शामिल करवाने का रेट। तो वो रेट क्या है, हम कहते हैं इस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कितने हैं, इसे बोलते हैं बजटेड ओवरहेड्स, डिवाइड बाय इस डिपार्टमेंट की बेस क्या है, इसे बोलते हैं बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो ओवरहेड्स को एक्टिविटी से डिवाइड करके रेट पर मशीन आवर या रेट पर लेबर आवर, ये एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकल आता है कि किस रेट के थ्रू आपने इस डिपार्टमेंट के ओवरहेड एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर शामिल करने हैं, दिस इज कॉल्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इज इट क्लियर? अब सवाल पूछे बेटा, आस्क मी क्वेश्चन। बहुत से बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट सवाल थे, अब बेटा सवाल पूछे मुझे कि अभी बात क्लियर हो जानी चाहिए। बच्चों के सवाल सर वॉल्यूम एक्टिविटी लेवल दिया होगा, हाँ ये हमेशा बताया होगा बेटा, हमें बेस बताई होगी, इस डिपार्टमेंट में मशीन आवर है, इसमें लेबर आवर है, इसमें प्राइम कॉस्ट है, इसमें ये है, इसमें ये है, ये बेसिस हमें दी होगी, हम उसी बेसिस की बेस पे हम चलेंगे। पूछे जा रहे हैं सर OAR किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए फाइंड करते हैं, हाँ हर एक डिपार्टमेंट के लिए फाइंड करते हैं बेटा, हमने कॉस्ट को पहले डिपार्टमेंट में डिवाइड कर लिया, अब हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना OAR होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग का अपना एक OAR होगा, मैन्युफैक्चरिंग के ओवरहेड इस रेट के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे, असेंबली का अपना एक OAR होगा, फिनिशिंग का अपना, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना एक OAR होगा जिसके थ्रू उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट एक एक यूनिट के अंदर शामिल करते जाएंगे। ये सवाल भी सोच सर कि 3x6 किया है इसका, इसमें 3 डायरेक्ट कॉस्ट है, ये 3 क्या है बेटा, ये 3 मशीन आवर्स था, ये 6 क्या है, रेट पर मशीन आवर, एक यूनिट को बनाने के लिए मैंने कहा है कि 3 घंटे लगते हैं, 3 इज द नंबर ऑफ मशीन आवर्स, ये नंबर ऑफ मशीन आवर्स है, 6 मेरे पास के रेट पर मशीन आवर है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस्ट एब्जॉर्ब होगी। सर नॉन प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे ऐड करेंगे, अच्छा मैं इस पर भी आना चाह रहा था लेकिन मैं चाह रहा हूं पहले ये जो बातें हमने कुछ की है ना इसको पहले क्लियर कर लें, एक सवाल में ये सारी बातें जरा इंप्लीमेंट करें, फिट करें जरा इसको, तो फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन इसके लिए फिट कैसे कराना है हमने, सवाल पे मैं आता हूं यार, चलो सवाल में इसको फिट मारें जल्दी जल्दी कर। लेकिन ये C3 सवाल है, ये सवाल आपने पढ़ना है, 2013 में आया हुआ 16 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये आपने जल्दी रीड करना है, हरिए सॉल्व भी आप ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा, I will give just idea. मैं अभी आपको पूरा आइडिया दे दूंगा कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है C3, सब लोग रीड आउट करें इसको भी जल्दी क्विकली। 5 रुपए का सवाल है ये।
नहीं जी, सवाल को हम देखते हैं। सवाल में क्या, जल्दी से ज्यादा देखना आपने यार, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। एक तो काफी सवाल करने हैं, मैंने कल करवाना था, पूरी चीजें रिवाइज करनी पड़ गई आज मुझे। चलिए सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूं बेटा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन। ईच कार्टन का मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट बनती होगी तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली हमने बेसिकली। ये बेसिकली बेसिक एम है। तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। अब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए आप जल्दी से देखेंगे कि रॉ मटेरियल पैकिंग कॉस्ट कितनी दी हुई, 36 ये दी हुई आपको। लेबर कॉस्ट कितनी, 25 ये दी हुई है। ये आप यानी यू कह ले कि ये कॉस्ट आपको गिवन ऑलरेडी है। ये जितनी भी कॉस्ट है हमारे पास, ये कॉस्ट हमें गिवन है। ये कह ले आपकी दिस लाइक अ डायरेक्ट कॉस्ट है। पहली वाली डायरेक्ट मटेरियल है, दूसरी वाली डायरेक्ट लेबर है। ओवरहेड्स हमें चाहिए, फिर ये हमारे पास कॉस्ट आएगी ना। अगर हम कॉस्ट नहीं निकालेंगे तो हमारे पास निकलेगा नहीं, तो हम कैसे उसको एस्टिमेट कर सकेंगे। तो दिस विल बी द इश्यू। तो हमने एक टोटल कॉस्ट यहाँ पे एस्टिमेट करनी है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 36, 30, 25 ये हमें बताया जा रहा है इज इंक्लूड ऑन ईच बॉटल। अच्छा, एक बॉटल में कितने, एक कार्टन होगा, कार्टन में नंबर ऑफ बॉटल्स होंगी। तो कार्टन के हिसाब से हम चल रहे होंगे यहाँ पे, कितनी बॉटल्स होंगी देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग फिर चलते हैं। अच्छा, यहाँ हम नजर भी आ रहा है आफ्टर द प्रोडक्शन द जैन बॉटल्स आर फाइनली प्रोडक्शन द कार्टन ईच कंसिस्टिंग ऑफ 12 बॉटल्स, ये लिखा हुआ है। 12 बॉटल हैं यहाँ, तो बड़ी आसानी के साथ हम इसको कर सकते हैं। अगर मैं यहीं भी थोड़ा स्टार्ट भी कर दूं इसको, आई विल टेक द न्यू पेज, नया पेज लेते हैं, नए पेज पे जाते हैं। चले यहाँ पे तो मैं बात करूं यहाँ पे बेटा, तो कौन कौन सी कॉस्ट हमें दी हुई यहाँ पे, तो हमें बताया होगा सवाल के अंदर ही उसने क्या बताया था। उसने कहा पैकिंग की कॉस्ट दी हुई थी हमें यहाँ पे, एक पैकिंग की कॉस्ट थी, दूसरी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट थी। यार पैकिंग की कॉस्ट कितनी दी हुई थी सवाल में, जल्दी देखने था। सोल्यूशन जल्दी, मैं मेरे पास सोल्यूशन भी इसका है, मैं जल्दी से कुछ आपको पहले हिंट करा के फिर सोल्यूशन शेयर कर दूंगा ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन 36 एक कॉस्ट है और 25 एक कॉस्ट है, 36, 25 यू कह लें आपके मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कह लें, तो 36 है डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास, और डायरेक्ट लेबर वो कितनी मेरे पास, दैट इज 25। एक कॉस्ट एक कार्टन के अंदर तो हमारे एक बॉटल कितनी, 12 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास यूं कह लें कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आ गया। मसला क्या है, अब मसला ओवरहेड्स क्या है, ओवरहेड्स कैसे शामिल किए जाए, तो उसके लिए सारी हम वर्किंग करेंगे ये सारी। तो ये हम उसके लिए वर्किंग करने जा रहे हैं कि आप ओवरहेड्स की कैसे वर्किंग होगी, तो उसके लिए हमारे पास ये डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। सवाल जरा देख लें, जायका लिमिटेड ZL इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फ्रूट जैम। ये फ्रूट जैम बनाते, इट हैज 3 प्रोडक्शन एंड 2 सर्विस कॉस्ट, सर्विस डिपार्टमेंट बता दिया उसने कि 3 में प्रोडक्ट बनती है बाकी 2 सर्विस देते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम ZL रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2013। आपको बताया हुआ रेंट एंड रेट्स, अब देखें ये रेंट एंड रेट्स क्या है यार, दिस इज व्हाट, ये मुझे बताएं जरा। ये पांचों डिपार्टमेंट क्या बेटा, इसको अपोर्शन करना पड़ेगा, यानी ऐसी कॉस्ट जो 2 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसको हम अपोर्शन कर देते हैं। इसके हमें अपोर्शन करना पड़ेगा, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेंगे मुझे बताएंगे जरा मुझे। अब आपके सवाल में यहां दिया होगा, डिटेल दी होगी, क्या डिटेल दी होगी, जैसे आपको फ्लोर एरिया, ये फ्लोर एरिया दिया हुआ, ये दिस इज अब क्या करेंगे, ये 1500 का फ्लोर एरिया बेटा, दिस इज 1500, ये 2000 का है, 1250 है, 1000 है, 500, इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे टोटल फ्लोर एरिया आ जाएगा। ये टोटल रेंट यहां से उठाएंगे 85,000 टोटल रेंट उठाएंगे, इस टोटल रेंट को टोटल फ्लोर एरिया से डिवाइड करेंगे, 500 को ऐड करके टोटल फ्लोर एरिया आ जाएगा। टोटल कॉस्ट को टोटल फ्लोर एरिया से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1500 से, फिर पहले डिपार्टमेंट कॉस्ट आ जाएगी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से जैम मेकिंग की आ जाएगी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1250 से। तो इसी तरह हम इसको अपोर्शन करते जाएंगे। इज इट क्लियर, बात समझ आ गई बेटा सबको, यानी रेंट की कॉस्ट 500 डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाएगी। इज इट क्लियर, डन, डन हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस जनाब, अब हमारे पास आगे इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस को हम कैसे यहाँ पे इन डिपार्टमेंट्स के अंदर हम मेंशन कर रहे होंगे। इनडायरेक्ट वेजेस, वैसे तो ये वेजेस हैं यार, ये तो वेजेस की बेस पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेस पे होना चाहिए। देखिए यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दी हुई, पावर कंज्यूम दी हुई, लाइट पॉइंट्स, प्रोडक्शन आवर्स, लेबर कॉस्ट, लेबर आवर्स और कॉस्ट ऑफ मशीनिंग, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। तो ठीक है, हमारे पास इनडायरेक्ट वेजेस हैं, तो अब डायरेक्ट वेजेस की बेस पे इसको डिवाइड करते हैं। डायरेक्ट वेजेस की बेस पे इनडायरेक्ट वेजेस लें और डायरेक्ट वेजेस की बेस पे इसको डिवाइड कर दें। कैसे,
यानी 60,000 ले, 60,000 है प्लस 80,000 है प्लस 32,000 प्लस 8,000 प्लस 20,000, 5-6 को ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल वेजेस आ जाएंगी। तो यहां से उठाएं आप इनडायरेक्ट वेजेस कितनी, 60,000, 60,000 को टोटल वेजेस से डिवाइड करें, हर एक की अपने अपनी वेजेस, यानी 60,000 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर 80,000 से मल्टीप्लाई करें, फिर 32,000 से मल्टीप्लाई करें, इस तरह से आप इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस की बेस पे आप डिवाइड करें। बच्चा पूछ रहे थे व्हाई नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द लेबर आवर्स, लेबर आवर्स की बेस पे भी कर सकते हैं, ये फाइन इज इट, दिस इज फाइन, हम लेबर आवर्स की बेसिस पे भी कर सकते हैं बेटा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये है कि मैं इसलिए इसको इसलिए कर रहा हूं कि ये क्योंकि वेजेस है, कॉस्ट है, तो वेजेस को वेजेस की बेस पे करता जा रहा हूं। अगर आप इसको डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे भी करेंगे ना तो आई थिंक सो ये एग्जैक्ट आंसर ऐसे ही निकलेगा, फर्क नहीं आएगा इसके अंदर, भला क्यों, डायरेक्ट वेजेस कैसे आई हुई है, डायरेक्ट वेजेस भी तो हमारे पास प्रोडक्शन के आवर्स होंगे, इन लेबर के आवर्स होंगे, उनका रेट पर आवर्स से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वेजेस निकली होगी ना, तो डायरेक्ट वेजेस क्योंकि निकली ही ऐसे है तो इसलिए हम इसकी बेस पे करें, इसमें कोई गलत नहीं है, अगर आप लेबर की बेस पे भी कर देंगे गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जो लाइक रिस्पेक्टिव विद रिस्पेक्टिव चलाए इसको, उसकी बेस पे आप कर दें। सवाल क्लियर बेटा, हसन बेटा बात समझ आ गई आपको, फाइन, लेकिन आप इसको यहां पे डायरेक्ट वेजेस की बेसिस पे ही करेंगे क्योंकि वो कॉस्ट दी हुई है और ये भी कॉस्ट दी हुई है। आगे चलते हैं आगे, हाँ जी, जनरल लाइटिंग, लाइटिंग को किस बेस पे करते हैं? अब ये लाइटिंग एक स्पेसिफिक सा कोई नाम है लाइटिंग, अगर हीटिंग दी होता ना तो मैं फ्लोर एरिया की बेस पे चला देता, तो लाइटिंग को एक बचत कह रहे सर इसको पावर कंज्यूम, बेटे ये इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी दी होती वो उसको पावर कंज्यूम पे करती है, लाइटिंग है, लाइटिंग के पॉइंट लगाए हुए हैं, यूं समझ लेंगे शादी के मौके पर डिफरेंट पॉइंट से आप जो लाइटिंग कर रहे होते हैं तो इसकी बात है, तो लाइटिंग के लिए लाइटिंग की तरह का नाम दिया हुआ है, लाइट पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट दिए हैं, तो इसको लाइट पॉइंट्स की बेस पे हम करेंगे, इन 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 5 प्लस तीनों को ऐड करके टोटल से डिवाइड करेंगे, टोटल मेरे पास कितने आएंगे 75,000, टोटल से डिवाइड करके रिस्पेक्टिव से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी, डन, इज इट डन। अच्छा पावर, अब ये पावर नहीं भी है मेरे पास, ये पावर के ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये पावर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी मैं यूज कर रहा हूं, अब इस इलेक्ट्रिसिटी को मैं पावर कंज्यूम्ड, देखिए बिल्कुल आसान आसान वो नाम दे रहा है आपको, क्लियर बता रहा है, रेंट है तो फ्लोर एरिया, इनडायरेक्ट वेजेस तो वेजेस की बेस पे, जनरल लाइटिंग है तो नंबर ऑफ पॉइंट लाइटिंग बेस पे, पावर है तो पावर कंज्यूम की बेस पे, तो हम इसको 1000, 6000, 2000, 1000 ऐड करके इस तरह से पोर्शन कर देंगे। अच्छा इसी तरह से डेफिनेशन मशीन दी, यस मशीन, मशीन की कॉस्ट, हाँ जी मशीन की कॉस्ट कैसे डिवाइड होगी जल्दी बताएं मुझे, मशीन 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 जल्दी, इसकी बेस क्या लूंगा मैं यहाँ पे, कॉस्ट बेसिस बच्चा लिख रहा है यार, कॉस्ट ऑफ मशीन बेटा, नेटबुक वैल्यू या वैल्यू ऑफ द मशीन से बोलते हैं, तो कॉस्ट ऑफ मशीन की बेस पे हम इनको डिवाइड कर लेंगे, मेरा ख्याल बहुत ही आसान है ये, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन यार, बड़ा आसान, हमने तो काफी डिटेल में बातें डिस्कस की हुई, तो बड़ा सिंपली उसने सीधा सीधा बताया है, वेजेस है तो डायरेक्ट वेजेस की बेस पे, लाइटिंग है तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स की बेस पे, पावर है तो पावर कंज्यूम की बेस पे, मशीनरी है तो मशीनरी कॉस्ट की बेस पे, सिंपल कॉस्ट को हमने क्या किया है डिवाइड कर दिया है, तो पांचों डिपार्टमेंट में हम इस बेस पे कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे, यहां तक कोई मसला बेटा, कोई इश्यू बेटा यहां तक, यहां तक कोई मसला, इज इट डन, चलूं मैं आगे जरा, यहां तक क्लियर होगी बात, अब हमने कॉस्ट को डिवाइड कर दिया एलोकेशन, अच्छा सबसे पहले हम एलोकेशन भी करेंगे, एलोकेशन क्या है मुझे जल्दी बताएं, इसको देख के बताएं कोई एलोकेशन है, ये 8000 और 20,000 इसको हम एलोकेट करेंगे बेटा, ये 8000 को और ये 20,000 को इसको हम सबसे पहले एलोकेट करेंगे, इसको एलोकेट क्यों करेंगे यार, देखिए स्टोर के अंदर कोई प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन नहीं होती तो स्टोर में कोई डायरेक्ट लेबर हो सकती है, डायरेक्ट लेबर हो ही नहीं सकती, ये कॉस्ट ही इनडायरेक्ट है 8000, ये इनडायरेक्ट लेबर है बिकॉज एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते इसको, यस एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते, दूसरी बार प्रोडक्शन ही नहीं होती, डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन ये है कि जो हम डायरेक्टली इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ये भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन नहीं करते, तो ये जितने भी यानी यू कह लें कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा जहां लेबर काम कर रही होती है वो सारे इनडायरेक्ट लेबर ही होती है, तो ये जो 8000 मैं स्टोर के अंदर लगा रहा हूं और 20,000 मैं डिस्ट्रीब्यूशन में लगा रहा हूं, ये दोनों इनडायरेक्ट लेबर है
और ये एलोकेशन है जी, सबसे पहले मैं एलोकेट कर दूंगा, ये दो जो बंदे हैं ये हमारे पास, ये हमारे पास हमारे पास सर्विस कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, ये इनकी कॉस्ट को पहले एलोकेट करूंगा, इन दोनों की कॉस्ट को पहले एलोकेट कर लेंगे, फिर उसके ऊपर इसके बाद सेकंड पे पांचों डिपार्टमेंट जो है ऊपर जो दिए हैं हमारे पास, रेंट है, इनडायरेक्ट है, जनरल लाइटिंग है, पावर, ये सब हम इसको अपोर्शन कर लेंगे, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट हो जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद आगे रीअपोर्शनमेंट। हाँ जी, रीअपोर्शनमेंट कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल मैंने कल जैसे करके दिखाया था कि स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, स्टोरी की कॉस्ट को क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट वहां से माइनस कराएंगे, 30% यहां आ जाएगा, 40% यहां आ जाएगा, 20% यहां आ जाएगा, सिंपल, और 10% हमारे पास यहां आ जाएगा। यानी स्टोर की कॉस्ट को उठा के हमने क्या करना है, हमने 3 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, 1 सर्विस कॉस्ट सेंटर में भी शामिल करवा देना, तो कॉस्ट ये रीअपोर्शनमेंट हो जाएगा। अब ये बेस पूरी दी होगी हमें कैसे रीअपोर्शनमेंट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ गई हमारे पास टोटल, अब इसकी कॉस्ट को क्या कहेंगे, 30% यहां जाएगा, 50% यहां जाएगा, 20% यहां चला जाएगा, सिंपल, इसको हम इस तरह से हम शामिल करवा देंगे यहां पर, तो यहां तक कोई इशू, यहां तक कोई इशू बेटा। मैं सवाल का सोल्यूशन आपके सामने शेयर कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए कैसे चल रहा है। चले लें जी, ये बेटा आपके सामने सोल्यूशन, दिस इज, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने सबसे पहले कहा कि एलोकेशन जो हमारे पास स्टोरेज और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में एलोकेशन हो गया, उसके बाद रेंट हो गया, लाइटिंग हो गई, इनडायरेक्ट वेजेस हो गया हमारे पास जो ऑलरेडी हमें दी हुई थी कि किस तरह से है, और ये पावर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारी कॉस्ट हमने क्या कर दी है, पोर्शन कर दिया, ऐसी कॉस्ट जो 2 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है उसको हम पोर्शन कर लेते हैं, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन भी आपके सामने बैठे, ये जी क्वेश्चन है, ये सवाल था आपके सामने बेटा, ये हमारे पास का सॉल्यूशन था। आई थिंक यहां तक सॉल्यूशन हमने देख लिया, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। अब ये क्या हो चुकी है, एलोकेशन हो चुकी है, अब इसके बाद क्या करना है, हमने अपोर्शनमेंट भी हो चुकी है, रीअपोर्शनमेंट, इसकी कॉस्ट उठा के हमने इन 3 डिपार्टमेंट में यहां भी ट्रांसफर करना है, फिर इसकी कॉस्ट उठा के खाली हमने प्रोडक्शन में ट्रांसफर करना है, तो कैसे, लाइक दिस, कि पहले मैंने क्या किया, खाली इसकी ये कॉस्ट, ये कॉस्ट की है, फिर बाद में मैंने इसको टोटल कर लिया यहां पर, ये दिस इज, ये टोटल आ रहा है मेरे पास, अभी ये क्या कर रहा है आगे, ये नहीं मैं अभी बाद में डिस्कस, अभी आप डिस्कस करते हो, पहले यहां तक टोटल तक देख लें, यहां तक देख लें, मैं अभी डिस्कस करता हूं कि ओआर कैसे निकाल रहा है, पहले यहां तक देख लें,
हाँ ये ओया निकला हुआ, पहले एलोकेशन अपोशमेंट रीपोशमेंट हो गई, रीपोशमेंट करने के बाद उसने तमाम डिपार्टमेंट, रीपोशमेंट करने के बाद क्या हुआ, ये डिपार्टमेंट तो खत्म हो गए, अब खाली ये रह गए, अब इनकी कॉस्ट उठा के एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर, एक कार्टन की कॉस्ट के अंदर शामिल करवाना था, उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल हम निकाल चुके हैं, डायरेक्ट लेबर हम निकाल चुके हैं, ये निकल चुका हुआ, ये आ चुके हैं हमारे पास, अब ओवरहेड निकालना था, दिस इज द इश्यू। अब ओवरहेड के लिए हमने कहा ये तीन डिपार्टमेंट है, बड़े के डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग ओएआर निकलेगा, ये तीन ओएआर, एक हमारे पास ये 60 आ रहा है, एक हमारे पास 64 आ रहा है, एक हमारे पास 70 आ रहा है, ये तीनों डिपार्टमेंट को ओएआर निकाल के हमने यहां पुट किया और इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं यहां पे हम। अब बात ये है कि सवाल पे थोड़ा सा जाता हूं, मैं थोड़ा सवाल पे जाता हूं, अब इस सवाल को देखें यार, हां जी देखें जरा, मुझे ये बताएं कल हमने बात की थी एब्जॉर्प्शन की बेसिस कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी बेसिस होती हैं यार, एक था मशीन आवर्स, के सवाल में यहां पे हमें मशीन आवर्स दिए हुए नहीं दिए हुए, मशीन आवर्स नहीं दिए हुए, दूसरा था लेबर आवर्स, क्या लेबर आवर्स दिए हुए हमारे पास, लेबर आवर्स भी नहीं दिए हुए, लेबर आवर्स बेटा नहीं दिए हुए, ये लेबर आवर्स पर बॉटल है, एक बॉटल के लिए लेबर आवर्स है, हमें टोटल लेबर आवर्स डिपार्टमेंट के नहीं दिए हुए, अगर टोटल लेबर आवर्स होंगे तो मैं डिवाइड करूंगा ना, अगर टोटल लेबर आवर्स दिए हों तो मैं टोटल लेबर आवर्स डिवाइड करके रेट निकालूंगा, टोटल लेबर आवर्स भी नहीं दिए हुए हमारे पास, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस आर गिवन, हाँ जी नंबर ऑफ यूनिट्स देखें, ये हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे कि कितने कितने यूनिट्स किस किस डिपार्टमेंट बन रहे हैं, वो भी नहीं गिवन यहाँ पे हमारे पास। अच्छा जी, इसके अलावा मटीरियल कॉस्ट दी हुई यहाँ, मटीरियल कॉस्ट ऐसी भी नहीं दी हुई, कोई लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट यहाँ भी दी हुई थी लेकिन वो क्या है, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट खाली दी हुई, टोटल लेबर कॉस्ट नहीं दी हुई हमारे पास। तो फिर क्या बेस होनी चाहिए, तो बेस जो हमें फिलहाल नजर आ रही है इसमें आवर्स, वो मुझे प्रोडक्शन आवर्स ये नजर आ रही है यहाँ पे बेस। सवाल को भी थोड़ा पढ़ लेंगे यहाँ पे, क्या क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कहते फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट डिपार्टमेंट इज आल्सो अवेलेबल, ये दी भी आपको, आफ्टर प्रोडक्शन द जैम बॉटल्स आर फाइनली पैक्ड इन द कार्टन्स ऑफ 12 बॉटल्स, द सर्विस डिपार्टमेंट्स आर अपोर्शनड एज फॉलोज, दिया हुआ है आपको, रॉ एंड पैकिंग मटेरियल कॉस्ट ऑफ 36 एंड लेबर कॉस्ट 26 एंड द बॉटल, यहाँ सवाल में हिंट भी नहीं कराया हुआ कि री आपने जो एब्जॉर्प्शन करनी किस बेस पे करनी है, क्योंकि यहाँ पे हिंट नहीं कराया हुआ, तो अब आपने खुद ही ढूंढना था कि क्या करना है हमने यहाँ पे, तो हम फिर खुद ढूंढते कि मशीन आवर्स मिल जाए, अगर वो मिल जाए तो उससे डिवाइड कर, टोटल मशीन आवर्स हर डिपार्टमेंट की, टोटल लेबर आवर्स हर डिपार्टमेंट के, ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाए हर डिपार्टमेंट की, वो भी ठीक था, या हमें यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट मिल जाती, लेबर की टोटल कॉस्ट हर डिपार्टमेंट मिल जाती तो फिर भी ठीक था, लेकिन यहां पे दिया हुआ प्रोडक्शन आवर्स, ये आवर्स दिए हुए जो सबसे कॉमन है, सबके टोटल नजर आ रहे हैं हमें प्रोडक्शन में, तीनों में ये आवर्स दिए हुए प्रोडक्शन आवर्स, तो फिर हमने क्या किया, प्रोडक्शन आवर्स नजर आ रहे हैं तो हमने प्रोडक्शन आवर्स से डिवाइड कर दिया इसको, तो प्रोडक्शन आवर्स से डिवाइड किया, ये तीनों के प्रोडक्शन आवर्स दिए हुए थे, हमने कॉस्ट ओएआर निकाला, ये क्या निकला हुआ, ओएआर निकला हुआ, ओएआर ये बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्चुअल लेवल, तो ये रेट निकला है 60 क्या 64 के 74 रेट पर आवर निकाल लिया हमने, रेट पर आवर निकाल लिया, ये तीन डिपार्टमेंट रखे हमने यहाँ पे, अब ये तीनों डिपार्टमेंट्स का मल्टीप्लाई करें रेट पर आवर के साथ, कि रेट पर आवर कितना हमारे पास, ये 60 है, ये 64 है, ये 74 है, ये 12-12 क्यों ले रहा हूं मैं यहाँ पे, एक कार्टन में 12-12 बॉटल्स हैं, तो 12-12 बॉटल ले रहा हूं, तो 0.1 और 0.25 0.115 ये क्या है हमारे पास, ये हर एक बॉटल के आवर्स दिए हुए थे हमें सवाल के अंदर, हर एक बॉटल के आवर्स, हर एक बॉटल के जो आवर्स दिए थे हम उससे मल्टीप्लाई करें इसको, ये लेबर आवर्स पर बॉटल, ये एक एक लेबर आवर की बॉटल के दिए थे, आवर्स दिए थे एक पर बॉटल, ये आवर्स दिए थे और टोटल भी दिए थे, हमने क्या किया पहले इसको टोटल से डिवाइड करके रेट निकाल लिया, रेट निकाल के उसको हमने फिर मल्टीप्लाई करा दिया, सर रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ कार्टन की है तो डायरेक्ट वेजेस को भी एड नहीं करूंगे एज डायरेक्ट लेबर, यहां डायरेक्ट वेजेस को एड करें यहां पे, ये क्या करें यहां पे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, ये 300 क्या है यार, 300 यही है क्या है, हमने एक यूनिट की कॉस्ट निकाली, वो तो ऊपर डायरेक्ट वेजेस टोटल दिए हुए थे, हम एक यूनिट की कॉस्ट निकालने की उसमें बताया हुआ क्या क्या एक यूनिट की कॉस्ट कैसे निकलनी है, उसमें बताया हुआ कि 25 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, सवाल में बताया था, हम सवाल के मुताबिक चलेंगे ना, ये बताया हुआ था सवाल के अंदर, ये मेंशन किया था सवाल के अंदर, ये क्या दिया हुआ था, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 25 इज इनकर्ड फॉर ईच बॉटल, ये ऊपर जो हमें डायरेक्ट वेजेस दी हुई है तो टोटल दी हुई है इन डिपार्टमेंट्स की, टोटल है यार, एक कार्टन को यानी एक बॉटल को बनाने के लिए 25 की, सवाल में बताया उसने, तो क्योंकि बताया था हमने वही चलानी, एक यूनिट की कॉस्ट निकालने ना, तो
एक यूनिट की क्योंकि कॉस्ट निकालनी है तो एक यूनिट के लिए फिर हम एक यूनिट की लेबर कॉस्ट लेंगे यहां पर, ये ले लिया हमने। हाँ जी कोई इश्यू बेटा यहां पर कोई इश्यू, एनी कंफ्यूजन, इज इट डन? चारों स्टेप सबको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो मसला है तो बताए मुझे। एनी कंफ्यूजन, कोई इश्यू, कोई सवाल आपके माइंड में बेटा? डन फाइन। अच्छा जी आगे देखिए और क्या है? ये सवाल हमने कर लिया, मैंने थोड़ा बताना था आपको, पहली बार मैंने डिटेल डिस्कशन करनी है आपके साथ री अपोर्शनमेंट कैसे कैसे होती है, फिर मैंने एब्जॉर्प्शन पे भी डिटेल डिस्कशन करनी है, दो डिस्कशन मैंने डिटेल में करनी है। थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको अभी किस चीज का आइडिया वाला, चल मैं इस पे आता हूँ, चलिए इस पे आ जाते हैं। हमारे पास ये कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं यहाँ पे, यहां से बात शुरू हुई थी। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसकी हमने सारी स्टोरी पढ़ ली कि उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो एलोकेशन, अपॉर्चमेंट, रीपोर्शमेंट, एब्जॉर्प्शन, चारों स्टेप लगा के उस पूरी फैक्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स अब्सॉर्ब करवाते हैं। ये बाकी डिपार्टमेंट्स का हम क्या करते हैं? बट एडमिन की, मार्केटिंग की कॉस्ट है, ये मार्केटिंग की कॉस्ट भी एक यूनिट की कॉस्ट में शामिल तो करनी होती है। एडमिन की कॉस्ट है, एचआर की कॉस्ट है, फाइनेंस की कॉस्ट, इसका हम क्या करते हैं? तो इसकी कॉस्ट हम क्या करते हैं, इसकी बेस बनाई जाती है बेटा। यानी यूं कह लें, सपोज मैं कहता हूं यार मार्केटिंग की कॉस्ट कितनी है, सपोज कर लें चले मार्केटिंग की कॉस्ट जनाब 20,000। अच्छा जी हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट लगाई जा रही है सपोज करें 80,000 × 100 कर लिया हमने, तो क्या निकला, ये निकला 25%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी इसका 25% क्या होगा, मार्केटिंग कॉस्ट होगी उसकी, उसका 25% मार्केटिंग की कॉस्ट होगी। तो 25% जैसे मैं इस सवाल में बात करता हूं, चलो यहां पे आ जाए अभी इस सवाल में मैं बात करूं तो यहां ये टोटल कॉस्ट कितनी आ चुकी है बताएं बेटा, यहां इस सवाल में कितनी आएगी, ये 1122 आ चुका है, ये क्या प्रोडक्शन कॉस्ट है टोटल। अब यहां मार्केटिंग की कॉस्ट एड करनी तो रेट क्या निकाला मैंने उसका 25%, तो 25% ऑफ 1122 इसमें मैं ऐड करवा दूंगा तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। इसी तरह एडमिन की कॉस्ट, एडमिन की कॉस्ट को भी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट से डिवाइड कर दूंगा, रिसर्च की कॉस्ट, फाइनेंस की कॉस्ट, यानी बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन डिपार्टमेंट की कॉस्ट को क्या करते हैं हम उनकी उनकी कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास बेस मिल जाती है कि उनकी कॉस्ट को कैसे शामिल करना है, तो उनको एज ए परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ये एक और काम भी कर लेते होते हैं हम कि हम मार्केटिंग की कॉस्ट को सेल, हम टोटल सेल वैल्यू निकाल लेते हैं, सेल वैल्यू से डिवाइड करके परसेंट निकाल लेते हैं, तो परसेंटेज ऑफ द सेल हम उसको इंक्लूड करवा लेते हैं। यानी बाकी जितने भी नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी कॉस्ट को हम परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट या परसेंटेज ऑफ, यानी उसके लिए ओएआर वगैरह नहीं निकलता, उसके लिए ये निकाला जाता है कि परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ द सेलिंग कॉस्ट हम उसको शामिल कर लेते हैं। अच्छा एक बच्चा सवाल पूछ रहा है सर कल क्लास है, तो अच्छा यार ये कल मैंने प्लान तो किया हुआ, बिल्कुल बेटा प्लान किया हुआ क्लास का, लेकिन क्लास की टाइमिंग स्टिल मुझे कन्फर्म नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता ये सिस्टम फ्री कितने बजे होता है। तो कल क्लास है और इसकी जो टाइमिंग है मैं एडमिन से भी बात करूंगा, तो वो जो फ्री टाइम, टाइम आई थिंक ये नहीं होगा हमारा, टाइम डिफरेंट होगा, तो वो आपको अभी एसएमएस कर देंगे व्हाट्सएप के अंदर, आप सब लोगों को एसएमएस चला जाएगा, क्लास है उसका एसएमएस चला जाएगा और कितने बजे है और ये सारी डिटेल भी आपको एसएमएस में चली जाएगी। ठीक हो गया बेटा, तो ये काइंडली आपको एसएमएस चला जाएगा, क्योंकि मैं एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं उसमें कन्फर्म कर सकता, लास्ट टाइम मैंने कन्फर्म कर लिया था तो इशू हुआ था उसके अंदर, वो आपको वो पूरा चेक करके किस टाइम पे वो सिस्टम बिल्कुल फ्री है, तो इसलिए हम उसको प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली सैटरडे और संडे में हमारा ना सिस्टम बहुत बिजी होते हैं, हम मॉड ई और एफ की क्लासेस करवाते हैं। सो आई थिंक फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट, सो इंशाल्लाह होपफुली वी विल कंटिन्यू टुमारो इंशाल्लाह, मैं बात करूंगा क्लास आपकी प्लान करेगा हम उसको कंटिन्यू करेंगे। सो फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट, सो थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज। Thank you.